सुबह के 8 बज चुके हैं और फटाफट शुरू करते हैं आज की खबर। और आज है हमारे पास हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर और आज है आपका 19 सितंबर दिन रविवार। तो चलिए बिना देर किए फटाफट शुरू करते हैं आज का न्यूज़। तो सबसे फ्रंट पेज की यदि बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ सामने दिया है। स्ट्रेट ड्राइव, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी के मेंटर बनने से T20 विश्व कप में गेंदबाजों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा गाइज। और बाकी इसमें जो फ्रंट पेज है इस पर एक लड़की का इधर कोचिंग का यहाँ पे जलान का दिया है, ऐड दिया है। हम बढ़ते हैं आगे की खबर की तरफ। जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे राष्ट्र सेवा के 20 वर्ष, सोच ईमानदार काम नामदार, यहाँ पे सरकार का कुछ एडवर्टाइजमेंट दिया है। चलिए आते हैं सीधे नेक्स्ट पेज की तरफ। और यहाँ पे गर्मा गर्म खबर की यदि बात करें तो पंजाब में सियासी तनातनी के बीच मुख्यमंत्री ने पद छोड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष चुनेगी विधायक दल का नया नेता। आइए, अपमानित अमरिंदर का इस्तीफा, ये बहुत ही दुख की बात है कि जो अमरिंदर जी थे उन्होंने दे दिया इस्तीफा। सिद्धू पाक पीएम और जनरल बाजवा के दोस्त का विरोध करेंगे ये लोग, सीएम पद के दावेदार, विपक्ष ने साधा निशाना। आइए कुछ पॉइंट्स इसमें जान लेते हैं। और जो हेडिंग लिखा है इसमें कि चंडीगढ़ में शनिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्यपाल को इस्तीफा सौंपते हुए। चलिए सीएम पद के दावेदार में कुछ पॉइंट्स हम जान लेते हैं कि सूत्रों के मुताबिक नए सीएम पद की दौड़ में 3 नाम आगे चल रहे हैं। मैं बता दूं आपको, पहला क्या है, सुनील जाखड़, सेकंड सुखजिंदर राधवा, प्रताप बाजवा दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि विधायकों ने नेता चुनने का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है गाइज। चलिए विपक्ष ने क्या बोल रहा है, विपक्ष ने साधा निशाना, क्या निशाना साधा है कि हरियाणा के गृह अनिल विज ने कहा कि त्याग पत्र की पटकथा सिद्धू के कांग्रेस में प्रवेश के साथ ही लिख गई थी। आम आदमी पार्टी ने क्या कहा कि आपने कहा कांग्रेस ने कुर्सी के संघर्ष में पंजाब के मुद्दों को हाशिए पर डाल रखा है, मतलब डाल दिया है। चलिए बात करते हैं आगे खबर की तरफ कि आगे दिया है इसमें सोनू सूद पर 20 करोड़ की आयकर चोरी का आरोप। चलिए ये तो आगे चल के पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत है, आप छोड़ दीजिए CBI पे, पुलिस प्रशासन पे, सरकार पे। आइए, विभाग ने कहा कर चोरी से संबंधित सबूत बरामद किए, अभिनेता पर विदेशों से चंदा जुटाने का भी आरोप लगाया गया है, 175 करोड़ के फर्जी लेन देन का भी आयकर विभाग को पता चला है गाइज। आइए चलते हैं आगे, देश को इस माह 23 करोड़ टीके मिलेंगे, देश पहली प्राथमिकता, क्या बोला गया इसमें सुन लीजिए कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता दूसरे देशों के टीके निर्यात करने से पहले देश में पूर्ण टीकाकरण करना है, देश में टीके की जरूरत खत्म होने के बाद ही इसके निर्यात पर फैसला लिया जाएगा। चलिए इसमें लिखा है पॉइंट्स में बता दूं, जायडस भी करेगी आपूर्ति, पर्यटन पर जोर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अमेरिका, पढ़ाई के बाद नौकरी की राह आसान, क्यों आसान है भैया सुन लीजिए अमेरिका ने क्या बोला है कि अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी करने की राह आसान हो गई है। अमेरिका की संघीय अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के H-1B जो वीज़ा था नियमों के बदलाव के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है, इससे भारतीय पेशेवरों को राहत मिलेगी। H-1B एक गैर प्रवासी वीज़ा है जो अमेरिका कंपनियों में काम करने वाले विदेशी पेशेवरों को देश में रहने की अनुमति देता है। ट्रंप प्रशासन ने स्थानीय लोगों को रोजगार बढ़ाने के लिए नियम बदलने का प्रस्ताव दिया गया था, इसके तहत वीज़ा के लिए लॉटरी निकालने के बजाय ज़्यादा वेतन वाली नौकरियों के लिए आवेदन को तरजीह दी जाती थी। इसके खिलाफ अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोर्ट चला गया, कोर्ट ने इस पर अस्थायी रोक लगा दी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया, योगी जी का कहना है कि यूपी को इन्होंने दंगा मुक्त प्रदेश बना दिया है, कितना सच्चाई है कितना क्या है जनता सब जानती है, अच्छी बात है। चलिए मुख्यमंत्री आज काशी में रहेंगे, आज है आपका 19 सितंबर दिन रविवार, कहाँ कहाँ रहेंगे क्या करेंगे आइए जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन दौरे पर रविवार शाम 5:20 अयोध्या से हेलीकॉप्टर से बाबतपुर एयरपोर्ट आएंगे, यहां से वह सड़क मार्ग से बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटी सेंटर पहुंचेंगे।
यहां वह भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सीएम इसके बाद सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, कानून व्यवस्था व संक्रामक बीमारियों की रोकथाम की समीक्षा करेंगे व विश्वनाथ मंदिर में लास्ट में दर्शन पूजा करें गाइज। चलते हैं आगे, स्पोर्ट्स की बात कर, राइट साइड में कुछ देता है, राइट साइड में हिंदुस्तान पेपर है ये, तो इसमें लिखा है लक्ष्मण की मुख्य कोच की दौड़ में नरेंद्र मोदी के निराले 20 वर्ष। ये शशि शेखर जी का है, कुछ पॉइंट इन्होंने लिखते हैं जिसे मैं सुना दूं कुछ साठ में, कि जैसे मुख्यमंत्री बनते समय उनके सामने दिग्गजों की कतार थी, वैसे ही प्रधानमंत्री के वक्त भी लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी जैसे महारथी उनके सामने खड़े थे। मोदी बिना पलक झपकाए आगे बढ़ते गए, वह किसी को मिटाए बिना बस अपनी लकीर लंबी कर रहे थे। ये कहना है किसका? शशि शेखर जी का। चले आगे चलते हैं, और इसमें ऊपर जो देता है राइट साइड में, इसमें फोटो लगा हुआ है, किसका लगा है इसमें भैया? मुख्तार अब्बास नकवी जी का। क्या बोला गया है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य की सजगता अब सामाजिक अभियान और आदत बन गई है। आइए कुछ लाइन में लिखता है लेफ्ट साइड में कि यूपी में सबसे ज़्यादा राशन कार्ड आधार नंबर से लिंक है, आईपीएल का दूसरा चरण आज से मुंबई में। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, नीचे पूरा प्रचार दिया है। यहाँ क्या लिखा है कि भाजपा के प्रति सभी वर्गों का विश्वास बढ़ा है। ये किसका कहना है? नड्डा जी का। सलाह, भारत के हिसाब से हो न्याय व्यवस्था, CGI का कहना है, CGI। सियासत, बाबुल सुप्रियो ने TMC का दामन थाम लिया है। बहुत ही दुख भरी खबर है भैया। चले चलते हैं आगे, आगे क्या लिखा है इसमें? कूड़ा गाड़ी की सूचना 200 मीटर दूर से ही मिलेगा। क्यों भैया? क्योंकि इसमें लग गया है ऐप, वो ऐप आपको बताएगा कि आपकी गाड़ी अब आपके द्वार पे पहुंचने वाली है, 200 मीटर पहले ही बता देगी, आप घर का कूड़ा कचरा लेके सब तैयार रहिए। चलिए, तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, क्या इसमें कहा गया है सुन लीजिए, कि यह ऐप लोगों के अलर्ट कर देगा कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी पहुंच रही है। कूड़ा गाड़ियों में GPS सिस्टम लगाया जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छा पहल है ये। चलिए, पुलिस ने डूडा कार्यालय के पास से दबोचा। क्या दबोचा भैया? कैंडिडेट खोजने व फोटो एडिट करने वाले हुए गिरफ्तार। इसमें कौन कौन गिरफ्तार है भैया? इसमें दो लोग गिरफ्तार हैं, पहला का नाम है विकास कुमार महतो, दूसरे का नाम है राजू कुमार। सिकंजा क्या है भैया? दोनों ने पूछताछ से मास्टरमाइंड का नाम और पता बता दिया है। अक्सर लोग यही करते हैं, मारपीट जब खाते हैं तो लोग बता देते हैं। चलिए, बिहार के छपरा जिले का निवासी है मास्टरमाइंड, तलाश तेज, तलाश जारी है। ये है पूरा मामला। क्या है मामला भैया, जान लेते हैं इसको। इसमें लिखा है कि मेडिकल और डेंटल कॉलेज में प्रवेश के लिए 12 सितंबर को NEET UG परीक्षा हुई थी। सारनाथ के टड़िया सोना तालाब स्थित सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल सेंटर था। यहाँ पर क्या भैया? यहाँ पर BHU के BDS सेकेंड ईयर की छात्रा जूली कुमारी को त्रिपुरा की हीना के जगह पर परीक्षा देते पकड़ा गया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने जूली की मां को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ के बाद पुलिस को मऊ के ओसामा के बारे में सुराग मिला। ओसामा की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि पटना के PK सालवर गैंग संचालित करता था। इसके बाद पुलिस परत दर परत खोलने में जुट गई है और ये फिर सिलसिला जारी। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ, तो इसके मास्टरमाइंड जो भी साइबर क्राइम चल रहा है, आप भी बच के रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और सतर्क रहना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले, जो कबूलनामा है, मास्टरमाइंड अपने पिता के खाते में मंगाता था रुपया, सातिराना हरकत। क्या था हरकत भैया? विकास ने बताया एक अभ्यर्थी से PK को मिलते थे 20 लाख रुपये। यूपी बिहार से लेकर त्रिपुरा व कर्नाटक तक फैला है नेक्सस। अरे बारे बाप, गारंटी के तौर पर रखता था असल शैक्षणिक कागजात। रुपयों के लालच में PK से जुड़ा विकास। मेडिकल स्टोर संचालक है हीना के पिता, जो उनके पिता हैं वो मेडिकल स्टोर संचालक हैं। चलिए एक फ़ोटो, अगले खबर की तरफ बात करते हैं। एक फ़ोटो मिक्सिंग के लिए राजू ले रहा था 2000 रुपये। गिरफ्तार राजू कुमार साल 2019 से ही नीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ़ोटो मिक्सिंग के जरिए सालवर गैंग की मदद करता था। वह उसी साल दूसरे सालवर गैंग के सरगना विकास महतो से जुड़ा। फ़ोटो मिक्सिंग के लिए वह विकास से प्रति फ़ोटो 2000 रुपये लेता था। बहुत ही गड़बड़ बात है, आप भी इसे बच के रहिए। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो है वो आपका वाराणसी से, पेयजल सीवर समस्या पर बनाए
इंटीग्रेटेड प्लान। इसमें क्या हुआ भैया, कल हुआ था बैठक, बैठक में कौन कौन था सुन लीजिए आप। सर्किट हाउस में शनिवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में MLC आशुतोष सिन्हा, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, MLC सतरुद्र प्रकाश, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, राज्य मंत्री रविंदर जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अवधेश सिंह और सुरेंद्र नारायण सिंह जी मौजूद रहे। इसमें क्या कहा गया है, कुछ मुद्दों पर हम बात कर लेते हैं कि करसड़ा में कूड़ा डंपिंग स्थल से उठ रही दुर्गंध का समाधान हो, करसड़ा व झालूपुर में इलेक्ट्रिक पशु सौदा स्टेशन जल्द शुरू हो, RTE के निजी स्कूल में एडमिशन में आ रही दिक्कत दूर करे, RTE होता है गरीब बच्चों के एडमिशन के लिए, 9 ट्यूबवेल की होगी जांच, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और क्या कहा गया इसमें कि 32 पानी टंकियों से अब तक शहर के लोगों को पेयजल की आपूर्ति नहीं हो, पानी काफ़ी गंभीर बात है। चलिए, 72 करोड़ रुपये खर्च करके वरुड़ा पार में बिछाई गई थी 76 किलोमीटर की दूरी तक पाइपलाइन, इसको भी सुधारा जाए, इस पर भी काम किया जाए। जो ऊपर लिखा है, एक लाइन का हेडिंग लिखा है, मैं आपको बता दूं। चलिए, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने पुराने कार्यों की जांच को कमेटी बनाने का दिया निर्देश, PMGSY में लापरवाही पर जन प्रतिनिधि हुए नाराज। चलिए चलते हैं आगे खबर की तरफ। इसमें क्या लिखा है भैया कि दरबारी संस्कृति से उबर नहीं पाई कांग्रेस, बिल्कुल सही है, ये कहना है किसका, महेंद्र नाथ पांडे जी का। चलिए, गैर हाजिर XEN पर बिफरें, XEN एक बिजली विभाग के करा होते हैं अधिकारी। चलिए, सिंचाई विभाग बेहद लापरवाह, बहुत लापरवाह है, कौन कहा है, विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने कहा कि बाढ़ से बचाव के लिए सिंचाई विभाग को सामने घाट इलाके में 2.5 करोड़ रुपये से फ्लैपर गेट लगाना था जो अब तक नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग सभी विभागों में सबसे ज़्यादा लापरवाह है, इतना ही नहीं कई और परियोजनाएं में विभाग की शिथिलता और मनमानी सामने आई है, विभाग के अधिकारियों को इसके सबक लेना चाहिए ताकि आगे इस तरह की कोई गलती ना हो। आइए चलते हैं आगे। अब कोर्ट से क्या है, कोर्ट का मामला ये सब है, किशोरी के अपहरण रेप में 20 साल कैद, किसको भैया मिला कैद, देखिए सुन लेते हैं। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजीव कुमार की अदालत ने किशोरी का बहलाकर अपहरण और दुराचार के दोषी मड़ुआडी निवासी पंकज केसरी को दोषी पाया और 20 साल की कैद की सजा सुनाई। बहुत अच्छा काम किया कोर्ट ने, उस पर 17,000 रुपये जुर्माना भी लगाया। अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने पैरवी की। चलिए, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं कि दुराचार के प्रयास में 5 साल की सजा, एक दुराचारी था जिसको क्या मिला, 5 साल की सजा मिली, किसको मिली भैया सुन लीजिए। वाराणसी झोपड़ी में सो रही किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने चोलापुर थाना क्षेत्र में गन्नारी गांव निवासी अभियुक्त अरविंद को 5 साल के सश्रम कारावास एवं 7,000 रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माने के 6,000 रुपये पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने को आदेश दिया गया है। किशोरी अपने मामा की शादी में शामिल होने बड़ा गांव थाना क्षेत्र स्थित उनके घर आई थी, आने के बाद ये सब मामला हुआ। चलिए चलते हैं आगे। आशुतोष टंडन आज आएंगे वाराणसी में, चलिए बहुत अच्छी बात है। मकान की दीवार गिरी, काफ़ी सामान नष्ट, कहाँ का है, सेवापुरी घटना है। 18 भू माफियाओं की पहचान हुई, बहुत अच्छी बात है, पहचान होनी भी चाहिए। फरार निदेशकों ने हड़पे 1.25 करोड़ रुपए, इनको भी पकड़ना बहुत ज़रूरी है। 16,000 से अधिक को टीका लगा, बहुत अच्छी बात है, कोरोना का कोई रोग नहीं मिला। चलिए चलते आगे। डेंगू के मरीज नहीं, 2 घरों में मिला लार्वा, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी खबर है। चलते आगे, दुराचार ये सब तो हो गया, नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। आप नेक्स्ट पेज में क्या है भैया, मैं आपको डेली डे बाय डे मैं खबर दूंगा, सुबह मॉर्निंग में पूरे देश विदेश शहर लोकल का मैं आपको न्यूज़ देने वाला हूं, और शाम को 6 बजे 6 से 7 के बीच में मैं आपको देने वाला हूं टेक न्यूज़। वो न्यूज़ केवल क्या होगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल क्या कब कैसे क्या हो रहा है, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। चलिए चलते हैं आगे। आज कुछ डे बाय डे मैं इम्प्रूव करूंगा अपने न्यूज़ देने के शैली में, डिलीवर में। चलिए बात करते हैं वाराणसी BHU का मामला है ये कि हॉस्टल के बंद कमरों का ताला तोड़ किया आवंटन, सख्त कदम। क्या है कदम भैया सुन लीजिए कि VV पहले ही हॉस्टल खाली कराने का आदेश दे चुका था। कुल 130 से अधिक कमरे में है छात्रों का अवैध कब्जा, बहुत गलत बात है। 21 सितंबर तक सभी कमरों का आवंटन हो जाएगा। 304 कमरे हैं लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास परिसर में। चलिए आगे की बात करते हैं। प्रैक्टोरियल बोर्ड ने कब्जे में ली फुटेज, बहुत अच्छी बात है। 558 विद्यार्थियों ने दी
अंक सुधार परीक्षा, ये यूपी बोर्ड की बात है, यूपी बोर्ड में एग्जाम जो हुआ था, बीएचयू 7 दिन में तैयार करेगा 50 फिटनेस लीडर। कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। चलते आगे, मंद बुद्धि बच्चों के लिए रामबाण होगा अष्टांग घृत। किसका कहना है भैया, ये बीएचयू में आयुर्वेद संकाय के रस शास्त्र विभाग ने अष्टांग घृत नाम से मंद बुद्धि बच्चों के लिए एक औषधि तैयार की है। 8 अलग अलग वनस्पतियों के योग से तैयार हुई है यह औषधि। बहुत ही अच्छी बात है, बधाई हो आपको। बिग बॉल से बच्चों को सिखाते हैं खड़े होना, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलते हैं आगे, उद्यमियों से की स्टार्टअप पर चर्चा। कौन भैया चर्चा किया, सुन लीजिए। उद्यमियों के नवाचार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए बीएचयू के अटल इनक्यूबेशन सेंटर की 3री वर्षगांठ शनिवार को मनाई गई। इस मौके पर एमएसएमई राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने सेंटर का किया दौरा। चलिए बहुत बढ़िया है। उसके नीचे क्या लिखा है मैं सुना दे रहा हूँ कि बीएचयू के अटल इनक्यूबेशन सेंटर में राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह को स्मृति चिन्ह देते हुए। चलिए बहुत बढ़िया बात है। चलते हैं आगे, भारत की हर क्रांति में युवाओं का योगदान, जस्टिस घोष जी बोल रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे, कुछ राइट साइड में दिया है संक्षेप, संक्षेप में हम जान लेते हैं। पहला क्या दिया है, नई तारीख पर पुराना प्रवेश पत्र मान्य हो। किसका हाल है, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज का। तो आप सावधान रहिए, जो भी बच्चा पढ़ता हो हरिश्चंद्र कॉलेज में। चलिए, डॉक्टर रानी शाह की पुण्यतिथि मनी, वाराणसी काशी कला केंद्र की समाचार है। राजस्थान के पारंपरिक सुलेखन पर हो पर वेबिनार, वाराणसी दृश्य कला संकाय। कोरोना के उपचार पर मंथन करेंगे होम्योपैथ के डॉक्टर, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर नवरत्न सिंह को बेस्ट टीचर अवार्ड, बहुत अच्छी बात है। ये काशी विद्यापीठ विदेशी भाषा विभाग में वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर नवरत्न सिंह को बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है, कांग्रेचुलेशन आपको। तीज उत्सव में दिखी सिंधी सांस्कृतिक झलक, अच्छी बात है। डॉक्टरों से बीमारी न छिपाएं, समय से इलाज कराएं, अच्छी बात है, ये एक अवेयरनेस है, जागरूकता है। खेलो बनारस के लिए प्रशिक्षण कल से, सचिवों का दल गुजरात के लिए रवाना हुआ। लाइसेंस शुल्क में 30 सितंबर तक छूट, लाइसेंस शुल्क में 30 सितंबर तक छूट, जल्दी से आप करा लीजिए। लाइसेंस किसका, शहर में संचालित होटल, गेस्ट हाउस, बार, बियर शॉप, देसी विदेशी शराब की दुकानें जो भी संचालित हैं वो सब 30 सितंबर तक छूट के साथ शुल्क जमा करना होगा, चलिए आप करा लीजिएगा। प्रशिक्षु महिला पुलिस कर्मियों को थाना दिखाया, चलिए बहुत बढ़िया बात है, जो जो होगी हो जाए सब अच्छी बात है। 3रे स्थापना दिवस पर विद्वानों का सम्मान, भैया कहाँ पे हुआ, बीएचयू के वैदिक विज्ञान केंद्र के 3रे स्थापना दिवस पर शनिवार को संगोष्ठी हुई। अध्यक्षता करते हुए संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा ने वेद और तंत्र के बारे में बताया, बहुत अच्छी बात है। चलिए, समावेशी विकास के लिए महिलाओं को मिले बराबरी, बहुत बढ़िया बात है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, क्या बोल रहा है कि पूर्व अध्यक्षों ने वर्तमान अध्यक्ष पर मढ़ा मनमानी का आरोप। ये कहाँ का भैया आरोप है, ये है आपका वार्षिक चुनाव से पहले IMA में दो फाड़। क्या दो फाड़ है, कि यूपी सेल चीट फंड और कमिश्नर से की शिकायत। इस महीने की 26 तारीख को प्रस्तावित है सालाना चुनाव। इसमें क्या बोला गया है, डॉक्टर अरविंद सिंह जी हैं जो चुनाव अधिकारी हैं IMA, क्या बोल रही है कि मेरे खिलाफ जो आरोप लग रहा है वो गलत है और निराधार है। चुनाव अधिकारी को लेकर आज सवाल क्यों उठ रहे हैं, अगर किसी को आपत्ति थी तो पहले ही सवाल उठाना चाहिए था। जिसके भी आवेदन निरस्त हुए हैं वो नियमानुसार हैं। चलिए अच्छी बात है, अपना अपनी बातें सबको रखने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, परिवारों की रजामंदी से तय थी दोनों की शादी। ये कहाँ का मामला है भैया, जान लेते हैं। रामनगर का मामला है, क्या मामला है सुन लीजिए, कि राजघाट पुल से शुक्रवार शाम गंगा में कूदे प्रेमी युगल का दूसरे दिन शनिवार को भी पता नहीं चल सका। छोटा लालपुर निवासी आशीष कुमार और सोनारपुरा निवासी युवती के परिजन दूसरे दिन भी घाट पर पुलिस के साथ मौजूद रहे। NDRF और पुलिस दोनों की तलाश में गंगा में जुटी रही। उधर परिजन से बात करने पर पता चला कि शादी के लिए दोनों परिवार की ओर से रजामंदी थी। पता नहीं किस बात को लेकर दोनों में अनबन हुई और ऐसे घातक कदम उठा लिया गया। उधर पुलिस के मुताबिक प्रेमी युगल की सूचना के बाद भी दोनों का मोबाइल ऑन था। शाम 7:20 बजे पुलिस को सूचना मिली, युवती का मोबाइल 7:35 बजे और आशीष का मोबाइल 8:03 बजे चेतगंज क्षेत्र में ही बंद हुआ। दोनों का मोबाइल एक साथ ही क्षेत्र में बंद होना जांच का विषय बना रहा। बहुत ही, चलिए ऐसी घटना तो लगभग होता रहता है, बट इससे हमको और आपको अवेयर होना है, बचना है और एक दूसरे को जागरूक करते रहना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, जन्म तिथि में हेरा फेरी, छात्र सहित 4 पर केस। ये कहाँ का मामला है भैया, भेलूपुरा का मामला है, अभी बच के रहिएगा।
चलिए चलते हैं आगे, आगे खबर की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें कुछ दिया है, सत्ता संग्राम, सत्ता संग्राम। चलिए चलते हैं आगे, इसमें कुछ दिया गया है, भाजपा जाति की राजनीति नहीं करती है, नड्डा जी का कहना है। चलिए, भाजपा अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर साधा निशाना, घर घर पहुंचे योजनाओं का लाभ दिलाएं वीरेंद्र जी, केरल एवं बंगाल में जल्द आंदोलन छेड़ेंगे, कौन बोला है, लाल सिंह आर्य जी, सेवा समर्पण अभियान में पूर्ण भागीदारी हो, जताया आभार, 70 पर भारी 7 साल, स्मृति ईरानी जी ने बोला है, स्मृति ईरानी जी ने क्या बोला है कि 70 पर भारी 7 साल, प्रबुद्ध सम्मेलन था वाराणसी में, प्रबुद्ध सम्मेलन, कहा पीएम के नेतृत्व में देश ने की असंभव से संभव की यात्रा, अमेठी में 5 दशक तक एक ही परिवार ने राज किया, सेवा नहीं, विश्वनाथ धाम का हुआ विस्तार, स्मृति ईरानी जी कल आई थी, सॉरी आज कल आई थी वाराणसी में, उन्होंने सब घूम फिर के अपनी अपनी बातें कही हैं। चलिए अच्छी बात है, चलिए माझियों की चौपाल से सपा का अभियान शुरू, अच्छी बात है, वक्फ प्रॉपर्टी कानून में संशोधन हो, कुलश्रेष्ठ, रेल निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन, शिवपुर में जल्द बनाए गुड्स शेड, जर्जर रोड देख कार से नहीं उतरे मंत्री, कौन मंत्री नहीं उतरा भैया जान लीजिए, प्रदेश के कृषि निर्यात एवं विपणन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, श्रीराम चौहान शनिवार को दोपहर पहाड़िया मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे, मंडी की सड़कों की दुर्दशा देख नाराजगी जताई और पैदल की बजाय गाड़ी से ही गए। चलिए बहुत बड़ी बात है भैया, मंत्री हैं, नेता हैं, होना ही चाहिए। चलिए, क्रोमियम को पानी से अलग करने वाले बैक्टीरिया की खोज, कौन खोज किया है भैया जान लीजिए, IIT BHU के कुल छात्र जी लोग हैं, कांग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत बधाई हो। जल शोधन में उपयोगी साबित हो सकता है नया बैक्टीरिया, औद्योगिक और सिंथेटिक अवजल पर हुआ प्रशिक्षण, राज्य है देश के जहां के तो 239 मिलियन लोग जहरीला पानी पीते हैं, इससे बचाव के लिए यह कदम उठाया गया है। चलते हैं आगे की बात कर लेते हैं हम, कि मिजोरम में 12 राज्यों से ज़्यादा इलाजरत मरीज, पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार साप्ताहिक औसत सर्वाधिक 1081 पहुँचा। चलिए चलते हैं आगे, उत्तराखंड, बच्चों में बढ़ रहे संक्रमण के मामले, भारत से दान में मिले टीकों का भंडारण खत्म हो चुका है, कोरोना के 35,000 नए मरीज, कहाँ हुआ है ये, नई दिल्ली में, रिकॉर्ड टीकाकरण से एक दल को बुखार आया, मोदी जी ये बोले हैं ताना, मतलब एक व्यंग है, आशा है रोजाना 2 करोड़ टीके लगेंगे, कौन बोला, राहुल। चलिए चलते आगे, अक्टूबर तक पूरी आबादी का टीकाकरण, सावंत जी हैं, देश में टीके की 80 करोड़ खुराक दी गई, अच्छी बात है, राज्य स्थिति का विश्लेषण करे केंद्र, अपने अपने राज्य की स्थिति का विश्लेषण करेगा केंद्र, कौन बोला है, राज्य सरकार, मतलब राज्य सरकार को केंद्र सरकार। चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पे कुछ दिया है संपादकीय में, नरेंद्र मोदी के निराले 20 वर्ष, ये कौन बोले हैं, शशि शेखर जी, जब गरीबी ने तैयार किया एक शिक्षक, क्या है भैया, माँ ऐसे किसी स्कूल की तलाश में थी जो उनके बच्चे को मुफ्त पढ़ाने की कृपा कर दे, लड़के को लगता नहीं था कि कोई अच्छा स्कूल उसे मुफ्त में प्रवेश देगा, अंततः एक सज्जन मिले जो तैयार हो गए, माँ ने बेटे से कहा एक सज्जन तो तैयार हो गए पर उनकी एक शर्त है कि तुम पढ़ाई से प्यार करो।